नवरात्रि में माँ दुर्गा और शक्ति की उपासना की जाती है। इस दिन अधिकतर घरों में नवरात्रि पूजा होती है। 9 दिनों का व्रत रखा जाता है। नवरात्रि व्रत का उत्साह हर घरों में होता है और अधिकतर हिंदू घरों में पति पत्नी दोनों ही नवरात्रि का व्रत रखते हैं। हिंदुओं में नवरात्रि ही मात्र एक ऐसा पर्व है जिसमें इतने लंबे समय तक उपवास रखा जाता है। ऐसे में अधिकतर दंपतियों के मन में ये प्रश्न रहता है कि नवरात्रि के दौरान संबंध बनाएं या नहीं। आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। नवरात्रि व्रत करने का मकसद अपने शरीर को शुद्ध करना होता है, जिसमें व्यक्ति को काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या आदि का त्याग करना होता है। मन को पवित्र करना होता है। 9 दिनों के पाठ और व्रत में आपका शरीर ऐसा हो जाता है जिससे आपके अंदर की नेगेटिव ऊर्जा अपने आप निकल जाती है। लेकिन वासना से दूर रहने के लिए आपको मन पे काबू रखना पड़ेगा। कुछ क्षण के आनंद के लिए अपनी प्रतिज्ञा को खंडित करना ठीक नहीं। शास्त्रों में भी वर्णित है कि नवरात्रि के दौरान वासना यानी संबंध बनाने से दूर रहना चाहिए, क्योंकि संबंध बनाते समय या संबंध बनाने के बाद शरीर में हॉर्मोन्स का निष्कर्षण होता है। इससे नकारात्मक शक्तियाँ आपको अपने चपेट में ले लेती हैं, जिससे मन शुद्ध नहीं हो पाता। इसलिए नवरात्रि के दौरान आपको शारीरिक संबंध बनाने से दूर रहना चाहिए और वही करना चाहिए जिससे आपका मन और हृदय शांत हो। नवरात्रि में संबंध नहीं बनाने के भी फायदे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दुनिया एक दूसरे को और नज़दीक लाती हैं। ऐसे में अगर आप अपने पार्टनर से 10 दिन तक दूरी बनाते हैं और आध्यात्मिकता में लीन रहते हैं, तो आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी और आपका प्रेम प्रगाढ़ होगा।